पूछा गया कि इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी डिक्लाइन इन मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो एज पर NFHS 5 जो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसमें कमी देखी गई है, गिरावट देखी गई है। मेघालय एंड मणिपुर रिपोर्टेड इंक्रीजिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो मेघालय और मणिपुर जो है यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है उसमें इंक्रीमेंट देखा गया, इंक्रीज हुई है यहाँ पर, ये भी हो सकता है। देन इसके बाद क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी सीन इन बिहार। तो बिहार के अंदर जो मोर्टेलिटी है उसके अंदर एक हाईएस्ट प्रेवलेंस जो है सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे पाई गई है। सोचे फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो है वो निकला हुआ है और वैसे पूछा जा सकता है, इसके डेटा के अनुसार कोई भी क्वेश्चन और कोई भी स्टेटमेंट बनके आ सकती है। अगर हम बात करें इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ज्यादातर स्टेट्स के अंदर इसमें कमी देखी गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम मेघालय और मणिपुर की बात करते हैं, यहाँ पर मेघालय मणिपुर के साथ साथ इवन अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी जो हमारी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, तीनों कैटेगरीज के अंदर इंक्रीमेंट इंक्रीज जो है वो देखा गया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम हाईएस्ट प्रेवलेंस की बात करें इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी की, ये बिहार के अंदर पाई गई है, ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। तो एक ही बारी में सारा डेटा हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस जो है रोज कोशिश करूंगा 3-4 दिन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के बारे में बना दिया जाए, सो दैट जब तक एग्जाम आए इसकी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हो वो आपको पता हो, ताकि आप प्रिलिम्स और मेंस दोनों में इस डेटा का इस्तेमाल कर पाएं।